आज जो चीज हम स्टडी करेंगे दैट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हम बेसिकली अपने चैप्टर नंबर 9 की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, जब भी सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अब उसके लिए हमने डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम ये इक्वेशन भी फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि डेल्टा टी बी को किस तरह से हम मेजर करेंगे। डेल्टा टी बी को मेजर करने का जो तरीका है उसके बारे में हमने आज के टॉपिक में अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग जो है वो डेवलप करनी है। द मेथड इज कॉल्ड द लैंडबर्जर मेथड, जो कि इस मेथड को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। इसका अपरेटस मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, जिसको हम बाद में जो है वो समझ लेंगे। आपकी बुक में भी जो है ये अपरेटस जो है वो बना के दिखाया गया है। This is the diagram of the Landberger's method of boiling point elevation. अब हम इसको लेबल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। It has one outer tube, जो कि नीचे से उसके opening आपने दी हुई है, और एक इसके अंदर इनर ट्यूब है। दिस इज द इनर ट्यूब। इनर ट्यूब के अंदर एक अदद होल मौजूद है। दिस इज द होल। दिस इज प्रेजेंट इन द इनर ट्यूब। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर और इसकी डायमेंशंस और इसकी जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं उसको देख लेते हैं, और फिर इसकी वर्किंग पर हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि एक आउटर ट्यूब है जिसके नीचे से ओपनिंग है, एक इनर ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, एक अदद होल मौजूद है। उस इनर ट्यूब को हमने कॉक से बंद किया हुआ है, और उसके अंदर एक आपने ये थर्मामीटर ऐड किया हुआ है जो कि हमें टेम्परेचर बताएगा। एंड देर इज अ रोज हेड। दिस इज कॉल्ड द रोज हेड। इट इज़ एन अपरेटस जो कि हम लैब्स में यूज़ करते हैं, और ये जो ओपनिंग है ये जा रही है एक और फ्लास्क की तरफ। अब इस मेथड की वर्किंग हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर चार चीजें हैं। नंबर वन इज द इनर ट्यूब विद अ होल, नंबर टू इज द बॉइलिंग फ्लास्क जो कि ये है, ये दिस इज द बॉइलिंग फ्लास्क। ये हमारे पास एक सेपरेट फ्लास्क है, और थर्ड इज द आउटर ट्यूब एंड नंबर फोर इज द थर्मामीटर। ये चार मेनली चीजें हैं इस मेथड के अंदर। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये किस तरह से वर्क करेगा। आपने सबसे पहले क्या करना कि आपका जो सॉल्वेंट है जिसका आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करनी है, उसको आपने इस फ्लास्क के अंदर ले लेना है। दिस इज द सॉल्वेंट जिसका आपने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है। पहले आपने लिया, पहले स्टेप में आपने लिया प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट को आपने लिया, अब आपने इसको डायरेक्ट हीट नहीं करना, आपने इसको हीट करना है थ्रू वेपर।
वेपर्स। आपके पास इस बॉइलिंग फ्लास्क में जो कि सेपरेट है, इसके अंदर आपका प्योर सॉल्वेंट मौजूद होगा। इस प्योर सॉल्वेंट को आप सेपरेटली बॉयल करेंगे और जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इसके वेपर्स मूव करते करते इस रोज़ हेड तक आएंगे। ये जिसको अब मैं फुली रेड कर रहा हूँ, दिस इज़ द फ्लास्क जिसके अंदर से आपके सॉल्वेंट के वेपर्स आएंगे। ये वेपर्स यहाँ पर आके अपनी एनर्जी, वेपर चूँकि गैस फॉर्म में होगा, गर्म होगा, वो आके अपनी एनर्जी इधर लूज़ करेगा और इधर बाहर वाले सॉल्वेंट को बॉयल कर देगा और आपका थर्मामीटर उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बता देगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसको मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। आपने क्या किया, आपने इनर ट्यूब के अंदर आपने जो है अपनी अपना जो वो है इनर ट्यूब के अंदर आपने अपना सॉल्वेंट ले लिया। उस सॉल्वेंट को हीट करना है ताकि वो बॉयल हो जाए और हम उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लें। अब उसको बॉयल करने का, किसी भी चीज़ को गर्म करने का एक तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट गर्म कर दें, आप उसको हीट करना शुरू कर दें। हम यहाँ पे आग वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आग सेपरेट लगाएंगे। यहाँ पर एक और फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर हम अपना इसी प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे और इसके वेपर्स को रास्ता देंगे कि ये इस वाले सॉल्वेंट को आके गर्म करे। ये सॉल्वेंट आके बॉयल होगा और ये ओपनिंग होल हमने इसलिए छोड़ा कि जब यहाँ पर इनर ट्यूब के अंदर आपका सॉल्वेंट बॉयल होगा तो उसके वेपर्स यहाँ पर बनेंगे और उसके वेपर्स को रास्ता देने के लिए, ताकि वो इसके अंदर जो है वो कंडेंस ना हो, उसको हमने आउटर ट्यूब के लिए रास्ता दे दिया और वहाँ से ये सारे के सारे वेपर्स कंडेंस होके इस ओपनिंग से बाहर चले जाएंगे। तो पहला काम हमने किया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी सप्लाई को काटेंगे, वेपर की सप्लाई रोकेंगे और इस कॉर्क को खोल के इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड कर देंगे जिसका सॉल्यूशन बन जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया, अब हम उसका सॉल्यूशन बना के और उसका बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे। हमने इस सारे सिस्टम को रोका, हमने यहाँ से वेपर की सप्लाई को भी रोक दिया और सॉल्यूट इस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया। सॉल्यूट का पैलेट इधर आएगा और इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है, अब हम इसको बंद करेंगे और पीछे से इसकी सप्लाई को फिर से ऑन कर देंगे और अब हम बनने वाले नए सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे। उसी तरह यहाँ से वेपर आएगा, वेपर आके इस रोज़ हेड में अपनी एनर्जी जो है वो वो इस सॉल्यूट को दे देगा और इस सॉल्यूट से क्या होगा, ये सॉल्यूट बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सॉल्वेंट था, ये अब सॉल्वेंट नहीं था, दिस इज़ सॉल्यूशन नाउ, क्योंकि हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को जब हम बॉयल करेंगे तो हमारा थर्मामीटर एक नई रीडिंग देगा जो कि बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हमारे पास दो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे, जो कि T1 होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और T2 हमारे पास होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो T2 है वो जाहिर सी बात है कि एलिवेशन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट में, ये बड़ा होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू निकल आएगी जो कि बराबर होगी T2 माइनस T1 के। तो ये हमारे पास मेथड था जिसका नाम है लैंडबर्जर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इस डेल्टा TB को जो है हम अपने फार्मूले में इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में इस्तेमाल किया था कि अगर हमें वो कोई कहे कि M2 निकालो, आप अपने सॉल्यूट का मोलर मास निकालो, तो हमने उसका फार्मूला पिछले अपने टॉपिक में निकाला था, KB ओवर डेल्टा TB इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर W1। तो यहाँ पे KB तो कांस्टेंट है, ये मैसेज तो वेट्स तो हमें गिवन होंगे, दिस डेल्टा TB कहाँ से आना था, इसलिए ये इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है ये अपना लैंडबर्जर्स मेथड जो है वो
स्टडी किया कि इस मेथड से आपका डेल्टा टी भी जो है वो आएगा। अब हम अपने आपकी बुक की एक एग्जांपल सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल कहती है जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, हम यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें आप अपनी स्टेटमेंट को पढ़ें और गिवन डाटा को लिस्ट कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको गिवन है 99.725 डिग्री सी। वो कहता है जी, टू अ सैम्पल ऑफ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे पास क्या है, वाटर, और ये बराबर है डब्ल्यू वन के, और ये हमें कह रहा है जी 600 ग्राम है। फिर कहता है जी, टू अ सैम्पल ऑफ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर आर एडेड, क्या ऐड किया उसके अंदर, 24 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमारे पास डब्ल्यू टू है वो भी गिवन है 24 ग्राम्स। Having molecular mass of 58 grams, अब आपको molecular mass भी दे दिया है solute का, molecular mass of solute which is equal to M2, that is equal to 58 grams per mole। अब वो कहता है जी, द मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट जो है के बी जो होगा वो हमें पता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो के क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और किसका कांस्टेंट, वाटर का, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो ये कितना होता है, दैट इज़ 0.52 डिग्री सी। ये भी हमने देखा था जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक स्टडी किया था। अब इन सारे डेटे को देखते हुए हम देखते हैं कि हमसे मांगा क्या गया है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इज़ दैट कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमसे मांग लिया गया है कि ये आपने फाइंड आउट करके देना है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमसे बेसिकली उसने मांगा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी किसके बराबर था, डेल्टा टी बी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन के। अब टी टू क्या है, टी टू इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और माइनस टी वन क्या है, टी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, और डेल्टा टी भी यही होता है ना, अभी हमने निकाला था पिछले इसी टॉपिक के स्टार्ट में कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें तो हमारे पास डेल्टा टी भी आ जाएगा कि भाई जी इतना एलिवेशन जो है वो हो गया है। अब हमसे मांगा गया है ये, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड, दिस इज़ गिवन, और ये हम अपनी इक्वेशन से फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले डेल्टा टी बी फाइंड आउट करेंगे। नाउ डेल्टा टी बी ये बराबर है जी के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू एम टू। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर अब मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगा, के बी 0.52 डिग्री सी था, दैट वाज़ द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर, 1000 हमारे पास इस इक्वेशन वाला आ गया, डब्ल्यू टू वाज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट जो कि हमें 24 ग्राम गिवन था। नीचे चलते हैं जी, W1 was the mass of the solvent, water के उसने 600 ग्राम हमें बता दिए थे, and M2 is the molecular mass of the solute, जो उसने कहा था कि जो 24 ग्राम आपने जिस solute के डाले हैं उसका molecular mass आपके पास 58 grams per mole है।
तो इन सारी चीज़ों को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू होगी 0.358 डिग्री सी। मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट को जब मैंने सॉल्यूशन बनाया 24 ग्राम डाल के, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो राइज आया, जो इंक्रीज आया, वो इतना है। लेकिन हमसे उसने एलिवेशन नहीं मांगी हुई, हमसे उसने मांगा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन। तो अभी जो हमने बात की उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ डेल्टा टी बी इज 0.358 और ये बराबर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और आप अपने अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिकॉल करें तो सबसे पहली चीज़ आपको गिवन थी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.725 डिग्री सी। यहाँ से हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो कि हमसे मांगा गया है दैट इज इक्वल टू नाउ 99.725 डिग्री सी प्लस 0.358 डिग्री सी। तो यहाँ से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा जी सॉल्यूशन का, जो कि है 100.083 डिग्री सी। तो दिस इज़ दी आंसर ऑफ आवर एग्जाम्पल। तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि इक्वेशन इन दी लॉन्ग रन एक ही है, और उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमसे कुछ भी मांग सकता है। दिस इज डेल्टा टी बी विच इज़ इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। अब इस इक्वेशन को आपके पास क्लियर कट याद होना चाहिए। इस इक्वेशन से वो आपको डेल्टा टी बी दे के M2 मांग सकता है, वो M2 दे के डेल्टा टी बी मांग सकता है, और वो डेल्टा टी बी भी नहीं मांग सकता, वो डेल्टा टी बी की भी वैल्यू मांग सकता है कि भाई जी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इन दोनों में से कोई एक आप जो है वो बता दें। तो आपको किसी भी किस्म का सवाल आ जाए, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ पूछ ली जाए, डेल्टा टी बी मांग लिया जाए, सॉल्यूशन का डेल्टा टेम्परेचर मांग लिया जाए, मॉलिक्यूलर मास मांग लिया जाए, तो आपने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर देना है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लैंडबर्जर्स मेथड समझा, और उसके बाद हमने अपने इसी मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल को स्टडी किया।